बोफोर्स दलाली कांड में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। सीबीआई ने इस साल 2 फरवरी को सभी आरोपियों को आरोप मुक्त करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब तक उन पर मीटू कैंपेन के तहत 9 महिलाएं आरोप लगा चुकी हैं। इसके चलते मोदी सरकार उन पर जल्द ही बड़ा फैसला ले सकती है। जानकारी के मुताबिक एमजे अकबर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। वो फिलहाल नाइजीरिया की यात्रा पर हैं। आचार संहिता लगने के बाद छत्तीसगढ़ में राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है। शुक्रवार को राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में होंगे। राहुल के दौरे के साथ ही कांग्रेस राज्य में आक्रामक चुनावी प्रचार भी शुरू करेगी। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी डोंगरगढ़ में मां बम्बलेश्वर के दर्शन करने के साथ ही कांग्रेस के प्रचार अभियान का आगाज करेंगे। भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच हैदराबाद में 12 अक्टूबर से खेला जाना है। चक्रवाती तूफान तितली का असर हैदराबाद में खेले जाने वाले टेस्ट मैच पर दिख सकता है। ये तूफान उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तटों पर पहुंच चुका है।